वेलकम फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग IISCT की फिल करने की सोच रहे हो, या फिर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को अगर जोसा 2024 में अगर आप अपने चॉइस फिलिंग में इंक्लूड करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में अगर आप पहले से कुछ जान रहे हो तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं जान रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि जो इंजीनियरिंग है, अगर आप अपनी अभी तक आपने 12th तक पढ़ाई पढ़ी है, 12th के बाद जो है वो स्पेशलाइजेशन सबकी अलग अलग हो जाती है। तो जैसे कि कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, केमिकल, बहुत सारी जो है वो वेरिएशन हो जाती है। उसमें अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो आस पड़ोस आप अपने बिल्डिंग्स देख रहे हो, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स यूजुअली अगर देखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रिजेस हो गई या रोड्स हो गई और या फिर टनल्स हो गई या फिर मेट्रो हो गई, तो उन सभी में जो है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट का काम जो है वो सिविल इंजीनियर का होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो साइट वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और दो टाइप्स के वर्क मेनली यहाँ पे रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, एक होता है साइट वर्क और एक होता है डिज़ाइन वर्क। तो और भी हैं बहुत सारे स्पेशलाइजेशन भी है, R&D में भी कुछ जाते हैं, लेकिन मेजर जो है वो क्लासिफिकेशन इन दोनों में है कि एक होता है डिज़ाइन का काम, एक होता है साइट का काम, और बिलिंग प्लानिंग, बिलिंग एस्टिमेशन, ये सब भी होता है, और बहुत सारे चूँकि वेरिएशन हैं। लेकिन आपको मैं मोटा मोटी पहले बता दूं कि सिविल इंजीनियरिंग में होता क्या है। जैसे अगर कोई रोड बन रही है तो सबसे पहले जो है वो रोड बनाना ज़रूरी है या नहीं है, फिर उसके बाद सर्वे होती है, फिर वो उसके लिए जो है वो एक डिज़ाइन बनाया जाता है। अब रोड का डिज़ाइन जो है वो घर जैसा तो होता नहीं है, तो उसके लिए अलग सिविल के स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स लगते हैं उसमें, और फिर मटेरियल कौन सा लगेगा, बिल पास होती है, टेंडर निकलता है, फिर जो है वो प्रोक्योर किया जाता है कौन से कॉन्ट्रैक्टर करेगा काम वो टेंडर के थ्रू, फिर वहाँ पे जो है वो रोड बनती है। तो इन सभी में जो है वो सिविल इंजीनियर हर पॉइंट पे इन्वॉल्व होते हैं, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रॉम सर्वेइंग टू आपके फाइनल फिनिशिंग तक। ओके, सो सिविल इंजीनियरिंग का काम ये सब रहता है। अब इसमें जो है वो आप कोडिंग का बहुत कम रोल है, अगर मीन्स फ्रेंकली स्पीकिंग, तो कोडिंग अगर आपका बैकग्राउंड है और अगर आप सोच रहे हो कि सिविल में ज्वाइन करूँ, तो शायद आपके लिए उतना इंटरेस्टिंग ना हो। लेकिन हाँ, कोडिंग की नीड है, लेकिन अगर आप ब्रॉड व्यू में देखोगे तो परसेंटेज कम है कि आप जो है वो कोडिंग करोगे सिविल में। और अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में जो है वो कोडिंग आपको एक सेमेस्टर हार्डली पढ़ना है, एक से दो सेमेस्टर, उससे ज़्यादा कोडिंग नहीं पढ़ना है। आप अगर खुद से एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन 1 से 2 सेमेस्टर आउट ऑफ 8 सेमेस्टर कोडिंग पढ़ोगे, और वो भी फुल कोडिंग नहीं पढ़ोगे, मीन्स एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट रहेगा या फिर एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट, ऐसा ही रहता है कोडिंग का। तो मेनली जो है वो यहाँ पे आपको डिज़ाइन के वर्क्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में 4 साल के सिलेबस में, और कुछ इंटर्नशिप ये सब होगी तो आप साइट पे जाके देख सकते हो। और रही बात प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट का सीन जो है वो यहाँ पे CS जैसा नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर अगर आप IT में हो, IT के फील्ड से कंपेयर करोगे, तो वैसा यहाँ पे सीन नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 4th ईयर में जो है वो 10 लाख की 20 लाख की जॉब मिल ही जाएगी, बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलती है। और PSUs में ऐसी कुछ PSUs होती हैं जो देती हैं, लेकिन सभी की ऐसा मुश्किल है। आपको इवन जो L&T होती है, L&T का नाम आपने सुना होगा, वो इंडिया की मीन्स नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है अभी। ओके, सो उसकी भी अगर आप देखोगे तो वो जो हायरिंग अभी कर रही है, तो पिछले 2-3 साल का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 6 लाख से 8 लाख तक वो लेती है ग्रेजुएट को। ओके, और पोस्ट ग्रेजुएट को 50,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो कुछ बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे पैसे नहीं मिलने वाले हैं अगर आप अर्ली स्टेजेस में देखो तो, लेकिन एज़ एक्सपीरियंस आप गेन करते जाओगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, आपकी जो है वो डिमांड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू कि आप फ्रेशर्स में कहाँ से आ रहे हो। तो इवन अगर आप जो है वो टॉप IIT से नहीं भी हो, अगर थोड़े नीचे कॉलेजेस से आए हो, लेकिन अगर आप सही जगह पे अच्छे से काम करते रहते हो, तो फिर आपकी जो है वो वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और IITs का अपना तो एक टैग है ही, NITs का भी है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को
अपना मनपसंद कॉलेज नहीं भी मिल सकता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ड्रॉप ले लेना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप करो डिसेंट कॉलेज अगर आपको मिल जा रहा है IITs NITs या फिर GFTIs में, तो आप कर सकते हो। ओके, और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप प्लेसमेंट इन सभी के नज़रिए से देखोगे तो प्लेसमेंट भी होती है सिविल में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होती है। और गवर्नमेंट जॉब की अगर स्कोप से बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, सिविल में यूजुअली ज़्यादा निकलती है एज़ कम्पेयर टू CSIT, उसमें CSIT में कम है अगर गवर्नमेंट जॉब्स की सीट्स देखो तो। फिर जो है वो अगर बात करें PSUs में, PSUs क्या है पब्लिक सेक्टर्स के, तो उसमें जो है वो गेट के स्कोर पे आपका इवेल्युएशन होता है, फिर कुछ में इंटरव्यूज़ भी होती हैं, तो वो सब आप 4 साल में सीख जाओगे कि इंटरव्यू कैसे देना है और कैसे अप्रोच करना है HR को, तो ये सभी चीज़ आप सीख जाओगे। लेकिन PSUs में गेट के थ्रू यूजुअली होती है, तो आप गेट भी दे सकते हो। और अगर आपको रिसर्च का मन है तो आप जो है वो MTech BTech के बाद जो है वो MTech कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो IITs में, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलती है और आप जो है वो फर्दर स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सीन रहता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो आप जो है वो सिविल में आना चाह रहे हो, यहाँ पे मेनली 5 स्पेशलाइजेशन होती है। पहली होती है स्ट्रक्चरल की, जो कि सबसे हाईली डिमांड है, सबसे हाई डिमांड होता है स्ट्रक्चर का। फिर आता है जियोटेक्निकल का, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन का, फिर आता है इन्वायरमेंटल और वाटर रिसोर्स। ये 5 स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा होती हैं, और टॉप टू बॉटम मैंने जैसे बताया वैकेंसीज भी उसी रेशियो में प्रोपोर्शन में भी आपकी आती है कि स्ट्रक्चर की वैकेंसीज यूजुअली ज़्यादा होती है, फिर जियोटेक की, फिर ट्रांसपोर्टेशन की, फिर इन्वायरमेंटल या फिर WRE, ओके वाटर रिसोर्स। तो ऐसी ही जो है वो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो कंपनीज भी हैं और पोस्ट भी खाली होती हैं, लेकिन आपको किस स्पेशलाइजेशन में वर्क करना है ये आप चूज़ कर सकते हो। 4 साल में आपका इंटरेस्ट भी क्लियर हो जाएगा पढ़ने के बाद, लेकिन आप इसका सिलेबस भी उठा के देखोगे तो आपको यही 5 स्पेशलाइजेशन को डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट ईयर तो सभी स्टूडेंट्स को सेम चीज़ पढ़ना होता है, लेकिन सेकंड ईयर से जो है वो आपको स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्ट, इन सभी को ही पढ़ना पड़ेगा, जियोटेक को इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल, वाटर रिसोर्स। और जो आप गेट का पेपर देखोगे तो उसमें भी यही सब पूरा भरा रहता है। तो कोडिंग का इसमें कुछ उतना सीन नहीं है, अगर आपको कोडिंग एकदम भी नहीं आती है तो भी फर्स्ट ईयर में तो आप थोड़ा मोड़ा सीख लोगे, जितना चाहिए होगा उतना तक तो हो जाता है, लेकिन बहुत कोडिंग इसमें नहीं लगती है। इसमें मैंने, मुझसे अगर पूछा तो मुझे जो है वो, मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था बहुत कम कुछ याद, बहुत थोड़ा कुछ याद है, और उसके आगे मुझे याद भी नहीं है। लेकिन जो फिर मैंने कोड की चीज़ें पढ़ी वो सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर IISc शिवपुर की बात करें तो IISc शिवपुर में जो है वो आप सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, आपको लैब्स भी अच्छी मिलेंगी, और कॉलेज का अपना एक ब्रांड है, तो उससे भी आपको जो है वो अप्रोच करने में हेल्प होती है अगर आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते हो तो। और अगर सिविल में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा रहे हो तो भी आपके लिए जो है वो ये सिविल का डिग्री आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप IISc शिवपुर को भी अपने चॉइस फिलिंग में एक प्लेस दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि NITs को चूज़ करें या IISc शिवपुर को, तो देखो यूजुअली अगर आपको टैग के पीछे जाना है तो आप NIT को डाल लो ऊपर, और अगर आप जो है वो NIRF रैंकिंग ये सभी देख रहे हो तो फॉर सपोज़ कि न्यू NITs जो हैं उनसे तो बेटर है कि IISc शिवपुर। न्यू NITs में आपको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी, उतना कैंपस एक्सपोजर नहीं है, वैसा कल्चर नहीं मिलेगा जैसा जो है IISc शिवपुर मिलेगा में मिलेगा, तो वो चीज़ एक मैटर करती है यहाँ पे। अब ऑल आपकी चॉइस है, आप किस चॉइस को ऊपर रखते हो, किस चॉइस को नीचे रखते हो। ये थी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बातें। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप जो है वो एक, मैंने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम ग्रुप, उस टेलीग्राम ग्रुप में अपना जो है वो आप ज्वाइन कर लेना, उस में आप मैसेज कर सकते हो। अराउंड 2000 स्टूडेंट्स हैं उसमें जुड़े हुए, तो वहाँ से भी आप जो है वो अपनी क्वेरी डाल सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं तो अपनी जो डाउट्स होंगी वो आप वहाँ पर आप अपनी डिस्कस कर सकते हो। ओके।
और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं। और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहां पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत।